बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मीडिया में आपके सुनने में आया है कि आरएसएस प्रमुख ने ये बयान दिया है कि सरकार मंदिर के लिए कानून बनाए, मैं समझता हूँ ये आरएसएस प्रमुख का जो बयान है ये 4.5 साल लेट आया है। ये तो उसी वक्त 2014 में आना चाहिए था कि जब शपथ ग्रहण हुआ था उसके बाद आ जाना चाहिए था, लेकिन अगर आज भी बयान आया है तो मैं समझता हूँ देर नहीं हुई है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारे देश के अंदर जिस तरीके से भावनाओं से खेला जा रहा है ये अफसोसनाक भी है और चिंताजनक भी है। तो मैं समझता हूँ कि आरएसएस प्रमुख एक गवर्नमेंट को डायरेक्ट बात करें और गवर्नमेंट से डायरेक्ट कहें कि भाई आप कानून बना रहे हैं या नहीं बना रहे, तब बात कुछ क्लियर होगी। यूं मीडिया के कैमरों के ऊपर कह देना, मैं समझता हूँ ये भावनाओं से खेलना होगा और हमारे हिंदुस्तान की 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है इस तरीके से मीडिया के कैमरों पे कहना। लिहाजा अगर आप सच्चा दिल से चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर हो और उसका निर्माण हो, तो जब सब चीजों में कानून बन सकता है, जब SC ST एक्ट में बन सकता है, जब 3 तलाक के मामले बन सकता है, तो सरकार के पास पावर है, कानून है, तो कानून बन जाए। लेकिन मैं समझता हूँ ये सब चीजें कैमरों के ऊपर हो रही हैं और आस्था से खेला जा रहा है।